और इधर भाजपा की तरफ से भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की निंदा की है। कोहली ने कहा कि गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनका ये बयान शोभा नहीं देता है। उन्होंने ऐसा बयान देकर देश के प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद की अवमानना की है, जिस पर चुनाव आयोग को स्वयं सयाग लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो गहलोत जी एक वरिष्ठ और अनुभवी कांग्रेस नेता है, इस प्रकार का बयान वो दे, वो भी माननीय राष्ट्रपति जी के लिए जो देश के प्रथम नागरिक है, बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान में लेना चाहिए और साथ ही साथ अशोक गहलोत जी को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार का बयान वो भी माननीय राष्ट्रपति जी के लिए उनका देना उचित नहीं था। प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी के चेहरे के रूप में टीवी पर अक्सर दिखाई देती हैं, राहुल गांधी जी के करीबी माने जाते हैं। उनका इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक ट्वीट करना और संकेत करना कि कांग्रेस के अंदर गुंडे जैसे आ रहे हैं, तो ये बड़ा स्पष्ट कर देता है कि कांग्रेस की आंतरूनिक स्थिति अच्छी नहीं है। और राहुल गांधी जी जो देश के सामने अलग अलग चीज़ें कहते हैं, शायद वो तथ्यों के आधार पर नहीं।